क्या आप जानते हैं एक रीसेंट स्टेटिस्टिक के अनुसार 2040 तक हमारे पास पीने का फ्रेश पानी बचेगा ही नहीं। तो चलिए जानते हैं हमारे यूथ कितना अवेयर है पानी की कमी को लेकर और क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं पानी को बचाने के लिए। बिल्कुल, पानी बचाना इम्पोर्टेंट है बिकॉज फ्रेश वाटर की कमी है, मतलब एंड बहुत लोगों को पानी पीने का मिलता भी नहीं है साफ। हाँ, पानी बचाना इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, बिकॉज पानी एक्सटिंग हो जाएगा तो लिविंग विंग कैसे सर्वाइव करेगा, सो दैट्स इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, नहीं सिर्फ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर हम गंदे पानी को वापस रियूज कर सके तो हम शायद पानी बचा सकते हैं। अगर हो सके तो मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। मैं तो हफ्ते हफ्ते में दो दो महीने में निकल जाते, मैं तो नहाता ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैं पानी उतना ही लेती हूँ जितना मुझे पीना है, मैं पूरा फुल लेती ही नहीं हूँ, और मैं दूसरों को भी यही गाइड करूँगी कि उतना ही पानी लीजिए ग्लास में भी जितना आप पी सकते हैं। अगर पानी बच जाता है तो विंडोज़ के पास रख देती हूँ ताकि बर्ड्स आए तो पी सके, एंड ऑल लाइक दैट। को ढककर रख देना चाहिए, उसको रीयूज करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। फ्रॉम द प्लेस आई कम फ्रॉम, दैट इज़ झारखंड कतरास, वी हैव दैट स्कार्सिटी ऑफ वाटर देयर 10-15 years approx before. Our daily usage of water was also based on the water tankers. So I know how important it is to save water in day-to-day life. Thankfully, मुझे ऐसा कुछ भी face नहीं करना पड़ा because मैं पानी waste ही नहीं करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे हॉस्टल में पीजी में मतलब पानी नहीं आ रहा था, वो पीने का पानी भी नहीं था, और मुझे ऑफिस आना था, मैं 2 घंटे वेट कर रहा था कि मोटर चले, मोटर ख़राब हो गई थी, समरसेबल से पानी आता है हमारे यहाँ, तो वो उस दिन पता चला कि वाटर कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर। अभी जो ड्रिंकिंग वाटर है कोई कोई टैप खोल के रखता है, या फिर मतलब बंदर आता है कभी कभी, मतलब एनिमल्स वो खोल के चला जाता है, वो बंद कर उन लोग के लिए प्रॉपर एक मतलब क्या बोलते हैं टैंक हिसाब से बनाओ ताकि वो लोग भी पी सके पानी। स्कूल वगैरह में तो बात रही बच्चों की, तो बच्चे आजकल मानते नहीं है, बट फिर भी एक सिस्टम है, उनको भी थोड़ा नॉलेज देना चाहिए कि हाँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज होती है, वैसे बच्चों को भी ये नॉलेज देख चले कि हाँ भैया पानी बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना है ना। हम जैसे कि अब कई तरीके के फिल्टर्स भी हो सकते हैं, फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, या फिर हम जैसे आप हैंड वॉश के लिए करते हैं हम, तो दो तीन टंकी लगा के हम उसको लेयर बाय लेयर उसको क्या है कि हम फिल्टर करवा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हमारे यूथ काफ़ी अवेयर है और साथ ही साथ वो पानी बचाने के लिए स्टेप्स भी ले रहे हैं, तो क्यों ना हम भी शामिल हो जाए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को रहने लायक बनाने के लिए।